अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इस वक्त मैं कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक आउटलेट ऑलमोस्ट 6-7 माह हुए हैं ओपन हुआ है, इसका नाम है फजर टू ईशा। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वैसे ही चिल करने के लिए आए, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए। तो यहाँ पे इनके कुछ कॉम्बोज हैं, चिकन बिरयानी है, काबली पुलाव है, चिकन टिक्का वगैरह और बीफ कबाब वगैरह हैं, तो ये ट्राई करने हैं। और इसके अलावा इनसे हमने पूछा तो ये कह रहे हैं कि अभी रोल्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, रोल पराठा और सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ अवेलेबल थी वो हमने मंगवा लिया है। जब हमारा मेन्यू आ जाएगा टेबल पे तो मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या क्या चीज़ है, और आपको टेस्ट के हवाले से भी बता दूँगा, और अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि ये जगह कैसी है। मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मेरे पास फजर टू ईशा के मैनेजमेंट मौजूद है, मैं इनके साथ आपका ज़रा तारुफ करवा देता हूँ, अकॉर्डिंगली हम पूछ लेते हैं आउटलेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है? अरसलान। अरसलान साहब, आप यहाँ पे क्या मैनेजर हैं? आप अच्छा, आउटलेट मेरे ख्याल में करीब ही ओपन हुआ है, कितना अच्छा है? इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 8 मंथ के बिटवीन, लास्ट हमने अगस्त में ओपन किया था, फिर उसके बिटवीन हमने कुछ रेनोवेशन में टाइम लगा, मतलब आप कह सकते 8 मंथ हो गए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ऑलमोस्ट 6-7 मंथ हुए थे, तो इन्होंने अब क्लैरिफाई कर दिया एग्जैक्टली 8 मंथ में। अगस्त में इन्होंने स्टार्ट किया था सेटअप पूरा, और दरमियान में रेनोवेशन के लिए कुछ किया था। आपके पास मैक्सिमम मेजर क्या डिशेज प्राइमरीली अवेलेबल हैं? सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो प्लेटर्स हैं। प्लेटर्स हैं, और प्लेटर बड़े अफोर्डेबल प्लेटर्स हैं, हर बंदा मतलब अच्छे रेट में जो है वो प्लेटर अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि आप जाते हैं हबीबी चले गए खाना खाने के लिए, मोनाल चले गए, डिफरेंट ब्लॉग जा रहे हैं, हम बाद में कंपैरिजन कर लेंगे। आप अपने हमारा स्पेशल प्लेटर्स हैं जी, उसमें हमारे पास जो सबसे सस्ता प्लेटर वो 800 का, जो अभी आपने शायद ट्राई पता नहीं किया है, उसमें 2 चिकन कबाब, बीफ कबाब और 8 मलाई बोटी, बहुत अच्छा प्लेटर है वो 800 का 2 लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास टिक्का बिरयानी सबसे एक फेमस बिरयानी है, ठीक है, जिसको बारबेक्यू के साथ सर्व किया जाता है, उसमें एक टिक्का होता है, कबाब होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है वो 350 के, बड़े इकोनॉमिकल रेट्स हैं हमारे, ठीक है, और प्लेटर्स हमारे ज़्यादा फेमस है। और ये मैं जो नोट कर रहा हूँ ज़्यादा ट्रेडिशनल बारबेक्यू डिशेज हैं और इस तरह के डिशेज, बारबेक्यू ऐड करके काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने इम्प्रूव की हुई हैं और काफ़ी अच्छी डिशेज ऐड की हुई हैं बारबेक्यू के। इनका मेन्यू अच्छा है, इनका मेन्यू मैंने खुद ट्राई किया, 2-3 चीज़ें इंडिविजुअली रिव्यू मैं आपको बाद में दे देता हूँ, इस वक्त मैं इनसे ज़रा बात कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका डिलीवरी का भी कोई ऑप्शन? जी बिल्कुल, डिलीवरी हम पूरे पिंडी इस्लामाबाद में देते हैं, उसमें मतलब इवन हम आप कह लें कि E11 तक, उससे ज़्यादा आगे तक हम डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्जेज हैं उसमें, ये है कि विद इन सेटर टाउन 5 किलोमीटर के इन एरिए रेडियस में हम लोग फ्री देते हैं, ठीक, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा है फिर उस पर चार्जेस होते हैं डिलीवरी, और मिनिमम ऑर्डर 500 से 1000 या 2000 तक का ऑर्डर हो तो फिर हम डिलीवर करते हैं। मिनिमम ऑर्डर 500 होना चाहिए, डिलीवरी चार्जेस विद इन 5 किलोमीटर जो हैं वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अलावा अगर बाहर जाएं तो फिर डिलीवरी चार्जेस अप्लाई होते हैं, वो भी मिनिमल से होते होंगे, इतना ज़्यादा होते होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे। फूड पांडा पे ही तो ये आप अवेलेबल है? बिल्कुल, फूड पांडा पे हम हैं, बाकी जो एप्लीकेशन बता रहे हैं उस पर नहीं है, फूड पांडा पे अवेलेबल है, फूड पांडा के थ्रू भी आप इजीली जो है एक्सेस करके, आप हमारा फजर टू ईशा ऑफिशियल पेज है उस पर जाके अब हमें ऑर्डर कर सकते हैं, उस पर हमारे सारे मेन्यू मौजूद है, ये बहुत कन्वीनियंट है, आप फेसबुक के थ्रू डायरेक्टली भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लस मैं नीचे आपको नंबर दे दूंगा इनका, और आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी इनके साथ कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर 5 किलोमीटर ये अच्छी चीज़ है जी, फ्री मिलेगा आपको, डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। और इसके हवाले से कुछ और कहना चाहेंगे? कोई कॉर्पोरेट अगर कोई मीटिंग हुई हो यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कि हमारे पास मीटिंग्स भी होती हैं, बर्थडे के लिए भी लोग हॉल हमारा रिजर्व करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जैसे सामने आपने देखी काफ़ी बड़ी LED है, तो इधर कॉन्फ्रेंस भी होती है, लोग आते हैं, ऑफिसेज की मीटिंग होती है, साथ उनका डिनर होता है या लंच होता है तो वो इधर करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए ज़रा बता दें, अगर ये सिर्फ ये हॉल में आपको हॉल पहले भी दिखाया, ये आप खुद भी देख लें, बड़ा अच्छा काफ़ी वास्ट हॉल है, फैमिली हॉल है, सारा फैमिली सेटअप है हमारे पास, ज़्यादातर ये फैमिली हॉल है, बाहर की सीटिंग भी हमारे पास काफ़ी, आउटडोर सीटिंग भी अवेलेबल है इनके पास। और मेरे व्यूअर्स के लिए आप बता दें, अगर यहाँ पे कोई सिर्फ हॉल बुक किया जाए तो वो रिजर्वेशन हो सकती है या फिर फूड? बिल्कुल हो सकती है, जी बिल्कुल, नंबर है हम इनको देंगे, नंबर वो नंबर पर आप रब्ता करके रिजर्व करवा सकते हैं, बर्थडे के लिए पूरा हॉल रिजर्व करवा सकते हैं, ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस हैं, आप दूसरे रेस्टोरेंट को कंपेयर करेंगे, इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इधर 30 लोगों ने खाना खाया है और उनका बिल ऑलमोस्ट 15,000
के अंदर अंदर बहुत इकोनॉमिकल है, अदरवाइज 10-12 लोग के चले जाए तो आराम से वो इससे तो एक्सीड कर ही जाता है, इससे तो एक्सीड कर ही जाता है। अरसलान नाम आपने बताया था माशाल्लाह। अरसलान साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अभी आपको वापस जाके जैन का फूड रिव्यू देता हूँ, मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, बाकी मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, इनकी अगर मैं फ़ूड का अपना रिव्यू अगर आपको दूँ ना, तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे इनकी फ़ूड कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग किस्म की नहीं लगी है, बहुत एवरेज किस्म का फ़ूड था इनका। और इनका जो काबली पुलाव था वो काबली पुलाव तो नहीं था, वो तो कन्फर्म है, क्योंकि काबली पुलाव के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बड़े विजिबल किस्म के होते हैं, और बड़ा एक अच्छा एक उसका एक टेस्ट आ रहा होता है जिसमें किशमिश और वो सब कुछ अवेलेबल होता है। इनके काबली पुलाव में जो कहीं किशमिश नज़र नहीं आई, कहीं कुछ और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल, नट्स वगैरह नहीं मिले, इवन के मीट भी उसमें मौजूद नहीं था, तो वो बस, लेकिन टेस्ट उसका ओवरऑल ठीक था। पुलाव का जो टेस्ट एक आता होता है ट्रेडिशनल नॉर्मल पुलाव का, बीफ पुलाव का, वो वाला टेस्ट आ रहा था। इसके अलावा टिक्का अच्छा था, थोड़ा सा स्पाइसी था, चिकन बूट जो बोटी थी वो कच्ची गली हुई थी, सख्त नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं थी, ड्राई किस्म का पीस नहीं था। और इसके अलावा इनका जो सीख कबाब था, सीख कबाब अच्छा था, सीख कबाब थोड़ा सा स्पाइसी था, दोनों चटनियाँ या डिप्स जो थी वो ग्रीन चटनी भी और रायता भी बहुत अच्छे थे, और ओवरऑल ठीक था। इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 7.5/10 होगी, और लेकिन यह कि ओवरऑल इन्वायरमेंट अच्छा है, अगर आप आएंगे तो आप इन्जॉय करेंगे, काफ़ी अच्छा हॉल है। और इसके अलावा मैं आपकी यहाँ की मैनेजमेंट से भी बात करवा देता हूँ, और उस अगले क्लिप में आप वो भी देख लेंगे कि वो इस हॉल के बारे में क्या कहते हैं। तो एक मरतबा ट्राई करना चाहिए, मैंने तो एक मरतबा ट्राई किया, आप भी ज़रूर आइएगा, देखते हैं आपको कैसा लगा। और इसके बाद आप यहाँ की मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख लें, और उसके बाद मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैं अपना व्लॉग मैनेजमेंट की बात के साथ एंड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, और पिंडी का फूडी ऑफिशियल शोबी चैनल देखते रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।